हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे है। और अगर मुझे 6-7 दिन भी मिल जाएं इसके ऊपर बात करने के लिए तब भी कम है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत। तो सबसे पहली चीज़ जो रूहानियत को या स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए ज़रूरी है, ये बिल्कुल साइंस से, मेडिकल से या कोई और सब्जेक्ट से कम नहीं है। इनफैक्ट ये भी एक साइंस है। जो साइंस आप पढ़ते हैं वो साइंस आपको आउटर वर्ल्ड के बारे में बताती है, कायनात कैसे बनी होगी, ये चीज़ इसके लॉज क्या हैं, ये डिस्कवरी कर ली, या ये चीज़ इस तरह फंक्शन करती है, या हम इसको इस तरह कर लेंगे। इस तरह जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके अंदर की साइंस है कि अंदर से आप कौन है, अपनी ज़ात के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, ये वो आप अपने आप को स्टडी करते हैं। और जब अपने आप को स्टडी करते हैं, इन दी एंड आप अपने क्रिएटर के और पास चले जाते हैं, और आप देखेंगे कि आप अपनी ज़ात के अंदर ही उसी को पालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रूहानियत जो हमारे ये इस खित्ते के अंदर जो चलती आ रही है, जो सूफिया ने चूज़ की, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और जो वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होती रही हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो पर अल्टीमेट गोल दोनों का सेम ही है, और वो है अपनी ज़ात तक पहुंचना। और इसके जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो है हमारे जो सूफिया ने जो तसव्वुफ़, एक टेक्निक है तसव्वुफ़, जिसके अंदर उन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दिया। स्टेप बाय स्टेप ऐसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज़ करना है कि आप एक्चुअली में हैं कौन है, और आपको रियलाइज़ करना है कि आपने अपने अंदर कितना गंद भर लिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेप में जब आप जाते हैं, आप उस गंद को बाहर निकालते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। और जब आप अपने आप को खाली करते हैं, फिर आपके अंदर के जो मैं और ईगो, सबसे बड़ा जो पहाड़ है, जो अगेन मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ अगर क्रिएटर ने बनाई है ना, खुदा ने बनाई है, तो एक चीज़ इंसान ने खुद बनाई है, और वो अपनी अना और ईगो है, जो कि सबसे घटिया चीज़ है। और जैसे ही आप इस चीज़ को अलग करेंगे, आप अपने खुदा और अपने उस क्रिएटर के बिल्कुल साथ पहुंच जाएंगे। साथ में मतलब उसके, आपको उसका झलक मिलना शुरू हो जाएगी, और वो सब बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है। आप कहते हैं बुद्धिज़्म में या कहीं किसी और वे में अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर जाएं, तो उसके अंदर वजदान का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या निर्वाण का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कि वो लम्हा जब आप अपनी ज़ात से मिलते हैं, या वो लम्हा जब आपको एक अपने क्रिएटर के वो सुप्रीम एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उसके साथ मिल गए हैं। हमारे यहाँ पर सूफिया ने वसल का लफ्ज़ यूज़ किया होगा। तो इन द एंड पॉइंट इज़ के सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपने आप को खाली करना और अपने अंदर जाना। मन अपने बीच बढ़िया ही नहीं, मतलब आप सारी दुनिया फिरते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, पर जो आपका इस एग्जिस्टेंस का जो मेन काम है, आपकी ज़िंदगी का जो सबसे ज़रूरी काम है, जिसके लिए शायद आपकी एग्जिस्टेंस है, वो यही है कि आप अपने क्रिएटर के पास जाएं। इससे पहले कि आप वैसे मर जाएं, आपका ये जो टूल, ये जो जिस्म है, ये वैसे ख़त्म हो जाए, उससे पहले सॉरी, आप अपने क्रिएटर के पास जाएं। और जब आप गौर करना शुरू हो जाएंगे, आपको एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा, और आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि आप जो काम भी कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आप प्रोग्राम्ड हैं वो करने के लिए। आपको सारी चीज़ें ये आपके अंदर इंजेक्ट की गई हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। तो और आपका जो मेन, जो आपके अंदर एक
सोल है या एक नूर है या जो भी फोर्स है, एक एनर्जी जो काम कर रही है, आपको नजर आएगा आप में और सारी इंसानियत में वो एक एनर्जी बिल्कुल सेम है। वो चाहे इधर का फकीर है, ये जो तबकात बनाए हैं ये माशरे ने बनाए हैं, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। एक फकीर हो गया, उसकी आईक्यू लेवल में या उसके जिस्म के अंदर जो खुलियात काम कर रहे हैं वो क्या डिफरेंट काम कर रहे हैं जो एक अमीर आदमी या एक प्राइम मिनिस्टर या किसी के कर रहे हैं? दोनों सेम है। मुआशरे ने इस तबके को बनाया है। पर आप और देखेंगे ना हर इंसान का, तो वो मेरा और आपका बिल्कुल सेम है। सबसे पहली चीज तो यही समझने वाली है कि आप और मैं बिल्कुल एक लोग एक चीज है। वो जो वहदानियत है ना, वो जो एक वननेस है, आप उसको समझना शुरू हो जाएगा। खैर, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम स्पिरिचुअलिज्म या रूहानियत को समझने के लिए उसका जो पहला स्टेप है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, और वो ये है कि हम चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दें, फोकस करना शुरू कर दें। फिर आगे से आगे इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और मैं अगली वीडियोस में अगर आपको पसंद आई तो मैं बताता रहूँगा कि आप कैसे स्पिरिचुअलिज्म या रूहानियत को और समझ सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको ला दूँ, मैं साइंस पढ़ता हूँ ज़्यादा या कम जितनी भी पढ़ी है, फिलोसफी पढ़ी है ज़्यादा या कम जितनी भी पढ़ी है, मैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप जाएंगे, मतलब इस चीज़ को आप बिल्कुल साइड पे कर दें कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ हम नहीं जान सकते, कुछ चीज़ों के ट्रुथ इंसान नहीं जान सकता, सिंपल एज दैट। बिल्कुल इसी तरह है जैसे पहले मुर्गी आई है या अंडा आया, हमें नहीं पता कि मुर्गी आई है या अंडा आया, तो इस चीज़ की बहस नहीं हम कर सकते, हम किसी चीज़ के बारे में अल्टीमेट नहीं हो सकते। और इस सरेंडर होने, और मेरा अपना ईमान है कि इस सरेंडरनेस का ही जो सबसे मतलब प्यारी एग्जांपल है ना, वो रूहानियत है। कि हम जो सरेंडर करते हैं ना एक सुप्रीम पावर के आगे, या मतलब बाबा गुरु नानक जो हमारे इधर की रूहानियत रही है या सूफीज़म रहा है ना, उसके अंदर वो सरेंडरनेस आपको नज़र आएगा कि सब उस पर छोड़ दो, वो सब जानता है और ये सारे रंग उसी के ही हैं, बस वो सब कुछ कर रहा है। और इस सरेंडरनेस में इतना मज़ा और इतना नशा है कि वो दुनिया के आपके किसी काम में नहीं आ सकते। डोंट ट्राई टू बी क्लेवर कि आप सब ये, मैंने मुझे वो लोग बड़े अजीब लगते हैं, ये देखो मैंने ये कर दिया, ये देखो मैंने ये कर दिया, मतलब मुआशरती या मुआशरे की गलाजतों को जो भी आपने अपने अंदर भरा हुआ है वो करके आप कौन सा हीरो वाला काम कर देते हैं। खैर, अगेन दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, हम अपने पॉइंट पे रहेंगे, और आज की वीडियो इधर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक एंड कमेंट कि आपको कैसी लगी, और मैं इसके ऊपर और भी बात करूँगा, क्योंकि अगेन दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक। सी या।